अगर इस तरीके से बनाएंगे चीनी बूरा की रेसिपी, तगार की रेसिपी, तो बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है आपकी चीनी बूरा तगार, जिसे हम बेसन के लड्डू में यूज़ करते हैं या फिर और भी कई सारे लड्डू में हम यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट ये बनने वाली है। इसे बनाना थोड़ी सी ट्रिकी है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम देखेंगे जिससे ये बनाना बहुत ही आसान लगेगी आपको। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे कि बहुत ही आसानी से बन जाएगी, हर कोई इसे बहुत ही आसानी से बना पाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप देखें ये किस तरह से आपको दिख रही है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही बनने वाली है गाइस। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कप चीनी लेंगे और थ्री रेसे वन में चलना है, मतलब कि एक कप चीनी लेंगे तो 1/3 कप पानी लेंगे। आप जिस भी माप में ले रहे हों, अगर कटोरी से ले रहे हों, कप से ले रहे हों, अगर 3 कप चीनी लेंगे तो 1 कप पानी, इस तरीके से हमें इस मेज़रमेंट से चलना है। तो मैंने 1 कप चीनी लिया तो 1/3 कप पानी लिया है। अब फ्लेम को हाई करके पहले इस तरीके से इसे पिघला लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से पिघल जाएगी, 2 से 3 मिनट में ये हाई फ्लेम पे फटाफट से पिघल जाएगी, और जैसे ही ये पिघल जाए हम फटाफट से फ्लेम को लो कर देंगे, और बिल्कुल लो करके हमें फिर इसे आगे इस तरीके से हिलाना है। तो यहाँ पर देखें ये पिघल गई है, अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब लो फ्लेम पे ही, थोड़ी सी टाइम इसमें लगती है, टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको लो फ्लेम पे ही करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपकी तगार अच्छी नहीं बनेगी। अब लो फ्लेम पे करके हम इसे लगातार इस तरीके से हिलाते रहेंगे जब तक कि चीनी पूरी अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। तो इस तरीके से आप देखें हमें इस तरीके से हिलाते रहना है इसे। यहाँ देखें चीनी जो है बहुत गाढ़ी हो चुकी है। अब इस टाइम पे हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून घी। तो याद रखें कि 1 कप चीनी में हम लेंगे 1/4 टीस्पून घी। यहाँ पर घी जमी हुई थी तो ये जल्दी निकल नहीं रही थी, मतलब कि अगर हम 1 किलो चीनी की बनाएंगे तो 1 छोटी चम्मच घी लेंगे। 1 कप चीनी, 1 कप चीनी लेंगे तो 1/4 टीस्पून मैंने यह घी लिया है, तो 1/4 हमें लेना है छोटी चम्मच से। इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मुझे अच्छी टाइम लगी 6 से 7 मिनट, लेकिन मैं आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ। तो लो फ्लेम पे ही करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो आपकी तगार बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब देखिए इस तरीके से जब बबल्स उठने लगेगी, तब भी जब मतलब कि बबल्स उठने लगे फिर भी आपको चलाते रहना है, और जब पूरे में बबल्स दिखने लगेगी इस तरीके से बड़े बड़े बबल्स पूरे मतलब के पूरी इस तरीके से चीनी में दिखने लगेगी, तब हम कर देंगे फ्लेम को बंद। फ्लेम को बंद करके गैस से हम नीचे उतार लेंगे चूल्हे से, और उस उतारने के बाद यहाँ पर देखें तो इस तरीके से हमें लगातार चलाते रहना है। और लगातार चलाते चलाते यहाँ पर देखें आप ये जो लिक्विड फॉर्म है ये कैसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल आप सब्र से काम लें, और लगातार थोड़े से हाथों की एक्सरसाइज होगी आपके यहाँ पर, लेकिन आप इस तरीके से लगातार चलाते रहें। जी हाँ, हाथों की एक्सरसाइज होने वाली है, और इस तरीके से देखें आप ये कैसे गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से करते करते ये गाढ़ी होती जाएगी। तो बिल्कुल आपको इस टाइम पे मतलब के ऐसे ही चूल्हे से उतार के करना है, गैस पे ये बिल्कुल ना करें, वरना फिर ये ढेले पड़ जाएंगे और तगार बिल्कुल ख़राब हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से उतारने के बाद करना है, और ये लगातार चलाते चलाते ये देखें कैसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे ये देखें बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगी। इसे आपको लगातार इसी तरीके से चलाते रहना है, और जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताया है बिल्कुल इसी मेज़रमेंट में आपको बनानी है। अब देखें इस तरीके से लगातार करते करते ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ चुकी है। अब इसे इसी तरीके से प्रेस करके हम चमचे से ही अच्छे से इस तरीके से तैयार करेंगे। तो ये देखें ये अब बनकर तैयार है। ये देखें आप इसकी जो टेक्सचर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें
गज़ब की इसकी टेक्सचर आई है गाइस। तो इस तरीके से इस मेज़रमेंट से आप बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनने वाली है। अब हम एक छलनी लेकर इस तरीके से चाल लेंगे इसे, ताकि जो भी मतलब के इस तरीके से लम्स बिल्कुल ना रहे। इस तरीके से आप ज़रूर इस एक छलनी लेकर अच्छे से छान लें। अब छानने के बाद देखें ये कितने अच्छे से, क्या इसकी टेक्सचर लग रही है ये देखें आप। हमारी जो बूरा है वो परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में निकाल कर, और ये देखें आप, ये देखें गाइस। तो अगर आप इस मेज़रमेंट से और इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आपकी जो चीनी बूरा है, तगार है, बिल्कुल ऐसे ही बनने वाली है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्द ही मैं आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी भी शेयर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।